hello everyone today we are here with another question from previous year question series and this question was asked in june 2019 csn net exam so what was the question the question was the correct order of reactivity of the following dienes towards reaction with malic anhydride is ठीक है तो यहां पे हमें इन डाइन्स के स्ट्रक्चर्स को पहले ड्रॉ करना है और उसके बाद बताना है कि वो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्टिविटी शो करता है तो मैलिक एनहाइड्राइड को पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसा दिखता है वो उसके बाद बाकी बात करते हैं मैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा मिलेगा ठीक है ये हो गया और मैलिक एनहाइड्राइड से हमें यहाँ पे काम क्या है हमें काम है इन डाइन के साथ डाइनोफाइल का तो मैलिक एनहाइड्राइड के ये जो टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे काम करेगा एज अ डाइनोफाइल सो so एक्चुअली ये बात कर रहा है यहाँ पे फोर प्लस टू रिएक्शन की कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है फोर प्लस टू या फिर आप कह सकते हो डील्स एल्डर रिएक्शन की ठीक है या फिर डील्स एल्डर रिएक्शन सो so, डील्स एल्डर रिएक्शन के लिए हमें दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है वन इज डाईन एंड अनदर वन इज डाइनोफाइल सो मेलिक एनहाइड्राइड का है और यहाँ पे दी है डाइन तो डाइन की रिएक्टिविटी के लिए हमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना होता है हम वो इन सब में चेक करेंगे बट सबसे पहले उन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डाइन में कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इट शुड बी इन फॉर्म फॉर्म का मतलब है कि आपके पास जो दो डबल बॉन्ड आपस में यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है वो हमें इस फॉर्म में मिलने चाहिए वो ट्रांस फॉर्म में नहीं होने चाहिए तो ये सिस फॉर्म है ये ट्रांस फॉर्म है तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे डाई इन की सिस वाली फॉर्म ही यूज करेंगे और दूसरी बात यहाँ पे कही जाती है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो बेटर रिएक्टिविटी शो करेगा जबकि इलेक्ट्रॉन विद्राॅइंग ग्रुप हैं तो डाईइन बेटर रिएक्टिविटी शो नहीं करता है क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप के आने से उसके होमो की एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है और अगर उसके होमो की एनर्जी इंक्रीज कर रही है इट मीन्स वहां से वो बेटर डोनर का काम कर सकता है तो यहां पे इन दो फैक्टर्स को हम ध्यान में रखेंगे और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे आंसर करेंगे ठीक है जी चलो स्टार्ट करते हैं तीन कंपाउंड दिए गए हैं या तीन डाईन दी गई हैं एक है ई वन क्लोरो ब्यूटा वन थ्री डाइन ई पेंटा वन थ्री डाइन एंड ई वन मिथॉक्सी बूटा वन थ्री डाइन उन्हीं को इन्होंने यहाँ पे अलग अलग शफल करके लिखा है तो पहले उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं फिर ऑर्डर डिसाइड करेंगे ठीक है जी चलो फर्स्ट है ई वन यानी चार कार्बन है अच्छा ई e और जेड के बारे में आपको यहां पे पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं एक फटाफट यहां पे डिस्कशन कर देती हूं कि आपके पास ई जेड नॉमन के लिए क्या करना होता है ई e हमारे पास कोई भी एल्किन तब कहलाती है जब हमने किसी डबल बॉन्ड पे प्रायोरिटी दी और उसकी प्रायोरिटी जो सेम है वन वन वाली वो कहाँ मिली है हमें अपोजिट साइड और जेड हम कब कहते हैं जब हमारे पास जो सेम प्रायोरिटी है वन वन या टू टू वो सेम साइड मिलती है तो ये हमारे पास इजेड नोमट्लेचर रहता है हमें यहाँ पे प्रायोरिटी फिक्स करनी होती है अकॉर्डिंग टू सी आई पी रूल तो सी आई पी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी फिक्स करके अगर हमें दोनों कार्बन के वन वन अपोजिट मिलते हैं या टू टू अपोजिट मिलते हैं तो ई e, अगर वन वन और टू टू सेम साइड मिलते हैं तो जेड ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं ई वन क्लोरा ब्यूट क्लोरोब्यूटा वन थ्री डाई यानी टोटल है हमारे पास फोर एटम्स और फोर एटम्स को हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने अभी रख दिया है वन टू थ्री फोर क्या कह रहा है कि वन पे भी डाई है अगर ये वन है ये टू है ये थ्री है और ये फोर है तो वन पे भी डाई है थ्री पे भी एक इन है तभी डाई हुई ना दो डबल बॉन्ड है तो हमने फर्स्ट पे भी रख दिया थर्ड पे भी रख दिया अब चार एटम भी हो गए उसके बाद बोला कि जो ई वन क्लोरो ब्यूटा ठीक है तो ये जो क्लोरो है ये कौन सी पोजीशन पे है फर्स्ट पे है और फर्स्ट पे कैसे कि आपके पास यहां पे ई e बने तो क्लोरीन को मुझे इस तरफ रखना पड़ेगा तभी मेरे पास ये डबल बॉन्ड ई e बनेगा चाहे तो आप देख लो ठीक है यहां पे प्रायोरिटी करेंगे तो क्लोरीन को फर्स्ट हाइड्रोजन को सेकेंड यहाँ प्रायोरिटी करेंगे तो ये अलाइलिक वाले सब्सिटेंट को फर्स्ट हाइड्रोजन को सेकेंड तो ये भी हाइड्रोजन सेकेंड ये हाइड्रोजन भी सेकेंड सेकेंड सेकंड अपोजिट साइड आ रहे हैं अपोजिट साइड है तो हमारे पास कौन सी ई e, है ना यही पढ़ा था अभी हमने तो ये डबल बॉन्ड ई हो गया ई वन क्लोरो ब्यूटा वन थ्री डाईन पहला स्ट्रक्चर बन गया दूसरा अब पेंटा है हमारे पास यानी अब हमें एक कार्बन और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव ले लिया अब कहता है कि वन थ्री डाई इन वन पे भी डाय इन और थ्री पे भी मतलब वन टू थ्री एंड फाइव टोटल पांच कार्बन होने चाहिए जिसमें से फर्स्ट और थर्ड पे डबल बॉन्ड हो रख दिया अब इसके बाद हमारे पास है कि ई वन मिथॉक्सी ब्यूटा वन थ्री डाई यानी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हमने फर्स्ट में ड्रॉ किया था बस यहाँ पे अब फर्स्ट पोजिशन पे क्या ग्रुप है ओ एम ई मिथॉक्सी ठीक है बाकी सारी चीजें बराबर है वन थ्री डाई अब ये स्ट्रक्चर्स तो हमारे पास बन गए अब हमें यहाँ पे क्या करना है अब हमें चेक करना है कि क्या कोई हमें सिस फॉर्म में दिया है तो आंसर क्लियरली है नो no. ना ये सिस में है ना ये सिस में है ना ये सिस में तो क्या ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें इस कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो ये सूसाइड फॉर्म की हमने बात करी थी इसमें जो ऑलरेडी सिस फॉर्म में दी हैं वो तो रिएक्ट करती ही हैं बट जो ट्रांसफॉर्म कन्वर्टिबल है सिस में जो ट्रांसफॉर्म कन्वर्टिबल है सिस में जिसमें हम रोटेशन करवा सकते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं तो यहाँ पे आपके पास जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन डाईज दी गई थी इसमें अभी तो ये सिस फॉर्म में नहीं है बट आफ्टर रोटेशन ये सिस में कन्वर्ट हो सकती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्किनेस नहीं है इन सिस्टम्स पे तो रोटेशन पॉसिबल है और अगर रोटेशन हो जाएगी इट मीन ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि सिस सिस में में कन्वर्ट कन्वर्ट हो सकती है बट होने के बाद क्या ये जो डिफरेंट तीन ग्रुप्स हमें दिख रहे हैं ना यहाँ इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है क्लोरीन ठीक है इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है क्लोरीन इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है ओ एम ई ये तीनों ही डिसाइड करेंगे कि वो इस डाईन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं ठीक है सो ओ एम ई से स्टार्ट करते हैं देखो ओ एम ई आपके पास अगर कॉन्जुगेशन में है इट मीन्स ये यहाँ पे शो कर रहा है प्लस आर इफेक्ट कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है प्लस आर और अगर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो जो एम ई है वो भी यहाँ क्या कर रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है लेकिन कौन से इफेक्ट के थ्रू तो वो शो कर रहा है यहाँ पे हमें प्लस आई के थ्रू प्लस आई के थ्रू तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो गया ठीक है और अगर यहाँ पे देखो तो क्लोरीन डोनेट तो नहीं कर रहा बट अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसे और इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कर रहा है तो अब मैं यहाँ पे समराइज करती हूँ इन सारी बातों को कि मेरे पास जो तीन यहाँ पे कंपाउंड सॉरी तीन डाइन्स दी गई हैं उसमें ओ वाली डाइन ऐसी है जो ओ वाली डाइन ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी डाइन पे इंक्रीज कर रहा है उसके बाद मेरा वो वाला डाइन रिच होगा जिसपे मिथाइल ग्रुप है क्योंकि वो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू जो डाइन है उसको रिच बना रहा है जबकि मेरे पास जो क्लोरीन वाला डाइन है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉनिकली रिच है या इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट ज़्यादा है क्योंकि उसमें जो क्लोरीन है वो अपने माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है तो इस बेसिस पे हम इसकी रिएक्टिविटी यहां पे डिसाइड कर सकते हैं यानी क्या कहेंगे कि वो डाईन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा और वो भी रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हमें यहां कंपेयर करने को आया तो क्लियरली हमें पता है दैट प्लस आर इज मोर डोमिनेटिंग ओवर प्लस आई रेजोनेंस वाला ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो so, ओ वाला देखो कहाँ सबसे पहले दिया गया है इन एरो की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो मिथॉक्सी वाला है वो हमें दिया है या तो सेकंड ऑप्शन में या फिर फर्स्ट ऑप्शन में अच्छा मिथॉक्सी के बाद कौन आना चाहिए मिथाइल वाला यानी पेंटा वाला आपके पास तो वो पेंटा वाला हमें इस पोजिशन पर दिया है। देखो क्लोरो वाला तो नहीं आना चाहिए था क्लोरो वाला हमारा होगा सबसे लीस्ट क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डाइन पर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है और अगर वो इंक्रीज नहीं करेगा तो उसके होमोक एनर्जी कम रहेगी और वो बेटर डोनर नहीं होगा दैट्स वाई जो आपके पास क्लोरो वाला है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट सो इन सारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चेक करते हुए जिस भी डाईन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वही डील जेल्डर रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी किसी भी डाइनोफाइल के साथ ऑल राइट right? So, this was all about the solution of this question. I hope this would help you. Thank you.